शाउट आउट जाता है मिस्टर अली, अनुराग यादव, अनप्राइवेट गेमिंग, युवराज बॉयलर, योगेश, प्रमित पांडे, भारती शर्मा, वाईटी गेमर्स, हरमंत सिंह, फिर स्पाइडर एक्स, एपी टेक्निकल चैनल, फिर ड्रैको डैश, फिर फायर एम गेमर्स, वेद प्रकाश, फिर फाइनूब गेमर्स, फिर अलीजर गेमिंग, फिर उसके बाद जैन स्मैशर, डिफरेंट शाहिल, मनोज वाघमर, फिर सूरीधर, फिर वर्ल्ड ऑफ गेम्स, देवसी नेगी, सचिन गेमिंग, मिया गेमिंग, देवेश कुमार, राहुल कुमार, फिर गेमिंग आयुष, माइनक्राफ्ट गेमर टैग, लाइव प्लेयर ऋषभ राणा, फिर अनस्टॉपेबल गेमिंग, ओएमजी गेमिंग, फिर हृदय सरकार, फिर एम बोट, फिर मंजू गौतम, आदित्य रैनक। थैंक यू कमेंट करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर नेम लेने में गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड के एपिसोड 3 में। तो क्या है कि मैं ना मतलब पहले आपको दिखा देता हूँ वो जो प्लेटफॉर्म पीछे है, मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे घर बनाए या फिर मतलब जंगल बनाए, तो बहुत लोगों ने कहा घर बनाओ, तो वहाँ पे हम घर ही बनाएंगे। लेकिन मैंने वहाँ पे पेड़ टेम्पररली उगा के रखा है कि हमको लकड़ियाँ तो चाहिए होगी ना पेड़ मतलब घर बनाने के लिए, तो एपिसोड 4 में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है और यहाँ पे तो इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे खुद ही उगाना पड़ रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे किया है, वो भी दिखाता हूँ, और बहुत सारे मैंने और भी चेंजेस किए हैं तो वो सब भी दिखाता हूँ। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आसपास है ना, मुझे पता नहीं कि मेरे आइलैंड के आसपास क्या क्या मिलेगा मेरे को। जैसे कि उस साइड तो पता है एक छोटू सा आइलैंड है, और उधर एक अकेशिया का बायोम है जहाँ से मैं अकेशिया का पेड़ लाया हूँ। लेकिन मुझे ना स्प्रूस का भी एक, अरे ये तो अभी अभी मेरे सामने उग गया, मेरे को है ना स्प्रूस के पेड़ भी चाहिए क्योंकि ना वो घर बनाने, अरे मैं अटक गया क्या, नहीं नहीं, तो वो घर बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। और थोड़ा बहुत आजू बाजू में एक्सप्लोर करूँगा कि पानी के नीचे क्या है, और जो सिपरा है उसको भी चेक करेंगे। तो यही आज का काम है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना, और हो सके तो स्प्रूस का कोई पेड़ वेड़ या बायोम ढूंढने का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो माइनक्राफ्ट में तो रात तो होती रहती है, तो चलिए फटाफट से हम सो लेते हैं। और शुगर कैन भी हमारे बहुत सारे बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं मतलब अभी शुगर कैन की ज़रूरत नहीं है, मैं जब बनाऊंगा ना अपनी इंचेंटेड टेबल तब काम आएगा। मुझे नेदर में भी जाने की इच्छा है क्योंकि वहाँ से मुझे ग्लोस्टोन लाने और श्रूम लाइट लाने। तो देख सकते हो इतना घना हमारा जंगल हो चुका है, तो इसको मैं काट लूँगा तो शायद से पेड़ इतने तो हो जाएंगे कि घर मैं बना लूँ। तो घर मैं अलग अलग लकड़ियों से काफ़ी औसम बनाने का सोच रहा हूँ, ऐसे कोई भी बेकार घर बनाने का मेरी इच्छा नहीं है। तो एक काम करते, खाने की जरूरत है तो है ना, एक काम मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने केल्प को बर्न करके उससे ना फ्यूल बनाया है, लाइक देख सकते हो। तो क्या है कि किसी ने तो मेरे को कमेंट में बताया था कि मैंने आपके मतलब आपके कमेंट रीड करते रहता हूँ, तो मुझे पता चला किसी ने तो कमेंट में लिखा था कि आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे मुझे पता था लेकिन ध्यान में नहीं था, तो जिन्होंने बताया उनका थैंक यू। अब है ना एक काम करते, बोट, अरे बोट कहाँ जा रही है, तो एक मिनट, कहाँ से मेरे को वो शिपरैक मेरे को दिखा था, तो आई थिंक ये बाजू कहीं पर मेरे को दिखा था वो शिपरैक, तो पर यार कहाँ पे, तो देख ओके वो रहा शिपरैक मुझे दिख रहा है। तो मुझे फटाफट से नीचे जाना है, देख के आना है, और मुझे वो क्या बोलते हैं उनका एक होते ना ज़ॉम्बी ड्राउनर, ओके मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभार, तो उन ड्राउनर से भी बच के रहना है मेरे को। तो यहाँ पे नीचे ना, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए लीव बोट करते हैं और एकदम स्पीड में चलते हैं, और यहाँ पे ना शायद से एक दरवाज़ा भी मिलता है, तो ये रहा वो दरवाज़ा, चल रहे भाई अंदर फटाफट से। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो चल रहे भाई, और शायद से यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, ओके ये रहा, ओके पहले मुझे ऊपर जाने दो फटाफट से क्योंकि डैमेज होने लगा। तो क्या है कि यही एक प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो मैं नीचे मतलब एक्सप्लोरेशन पर जाता नहीं हूँ। देख सकते हो इतनी जल्दी कितने हार्ट खत्म हो गए, अरे भाई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो बोट पे बैठने दो थोड़ी देर के लिए, और ऊपर से वो ट्राइडेंट वाले बन जा गए, तो वो तो मेरी तो हालत ख़राब कर देंगे। वैसे मैं अपने घर से ज़्यादा दूर कहाँ है मेरा घर भाई, यहीं कहीं, तो एक मिनट मुझे मेरा घर ही नहीं दिख रहा, ओके मैं पूरा रोटेट नहीं कर सकता ना, ओके ये रहा, ज़्यादा दूर नहीं है कोई टेंशन नहीं। तो पहले थोड़ा बहुत और हेल्थ बढ़ जाने देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो आई थिंक मेरा हेल्थ लगभग तो बढ़ चुका है, तो वापस से एकदम स्पीड में चलते, एकदम नीचे जाना है हमको, और फिर हमको ये दरवाजे को खोलना है। तो कहाँ है दरवाज़ा, ओके तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे जाना है, और अरे चल ले भाई अंदर चल, और ये चेस्ट में देखना है कि क्या है। तो ये चेस्ट में एक ये है, और ये बुक है, और ये थोड़े से ये भी है, और ये पेपर्स भी है, ओके भाई, नहीं नहीं भाई हेल्थ हेल्थ, ओके अरे चल ले चल, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मरूंगा अभी तो मैं यहीं पे स्पॉन होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं मरूंगा क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही है। तो चलो फाइनली बच चुका हूँ, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक मैंने चीज़ किया था, चलो कोई बात नहीं। तो शायद से मेरा घर किधर है, ओके ये रहा, तो ये बाजू भी एक शिपरैक थी, तो वो शिपरैक एकदम उल्टी पड़ी है, तो वहाँ पे भी चल के मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो भाई इसमें मेरे को वो मिला, एक मिनट देखता हूँ ये क्या चीज़ है, एक मिनट कहाँ गया, ओके ये रहा,
तो ये कहाँ पे खुलता है देखता हूँ। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, ये है किधर पहले ये तो बताओ। तो ये शायद से ये वाले डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए ट्रेजर लेने? तो शायद इधर किसी बायोम पे है। तो चलिए फिर चलते, फिर इधर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके ही आते, क्या पता हमको कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। तो मैं चलता हूँ फटाफट। और ये ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, चलिए इस खजाने को ढूंढ के ही आते, क्योंकि अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन पे आ गए अपने वर्ल्ड के पास। तो चेक कर लेते, इससे शायद हमको थोड़ा बहुत गोल्ड आयन ये सब कुछ मिल जाए, तो हमारे लिए ही फ़ायदे का चीज़ है ना। तो चलिए इसको फटाफट से मैं चल कर ढूंढता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे तो पहुँच चुका हूँ। अब एक काम करते, शवल निकाल के माइन करते। जहाँ तक मेरे को लगता है वो है ना ऊपर ही होता है, ज़्यादा नीचे नहीं होता। तो अब है ना मैं ना 4x4 का एक पूरा, 6x6 का एक पूरा लेयर ही गायब कर दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा नीचे नहीं होता और हम बेकार में बहुत नीचे नीचे तक खुदाई कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ना एकदम इक्वल लेवल पे माइन करूँगा, जिससे कि ना मिलने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। और आई होप उसके अंदर ज़्यादा अच्छा चीज़ें हो, उसके अंदर कॉन्ड्यूट वॉन्ड्यूट ना हो तो काफ़ी सही। ओके हाँ, हार्ट ऑफ द सी हो तो काफ़ी सही, क्योंकि मैं इधर समंदर के यहाँ पे मतलब सर्वाइव कर रहा हूँ ना। तो शायद अगर मैं उससे अगर कॉन्ड्यूट को एक्टिवेट कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी सही होगा, क्योंकि उससे मेरे को बहुत सारा वाटर ब्रीथिंग का पोर्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट ढूंढते हैं कहाँ पे है वो चेस्ट। तो गाइस मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही खोद दिया है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, और खोदते रहते, पता नहीं ये कितना टाइम लेगा। लेकिन मेरे को यहाँ से वो सैंड स्टोन मिल रहा है, और ये सैंड आ रहे हैं ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है वो सैंड के है ना थोड़ा सा नीचे ही होता है, बट ये मेरे को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। और जगह जगह पर मैं खोद रहा हूँ तो वो समंदर का पानी आ जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, और खोदते ऊपर चलते हैं। अब तो सीधे सीधे देख सकते हो पानी आ रहा है ना, यही बात है कि पानी मुझे गुस्सा। ओके देख सकते हो मिल चुका काफ़ी, मतलब पानी ने इस बार फायदे का काम किया, लेकिन हर बार तो बेकार होता है। चल अरे यार कहाँ कहाँ मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ यार, मुझे लगाना यहाँ पे है। चलो सही है, अब इसके अंदर क्या है चेक करते हैं। तो ओके इसके अंदर एक डायमंड है, एक हार्ट ऑफ द सी है, और एक है रीजनरेशन का पोशन, एक है वाटर ब्रीथिंग 3 मिनट का, एकदम सही। इससे मैं ना थोड़ा बहुत वाटर में जाकर शिप रैक को ढूंढ के आ सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ना अपने बोट को लेके अपने घर पर चलता हूँ, कि नाइट भी हो रही है। तो ये बोट पे बैठते हैं, और मेरा घर शायद से इस डायरेक्शन में कहीं पे, तो मेरे को देखने दो मेरा घर। ओके ये डायरेक्शन में देखने दो। ओके चलो ये डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेट को याद करके रखा हूँ ना, इसीलिए मैं आराम से घर पहुँच सकता हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से घर पे चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो वहाँ पे मेरा आइलैंड है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो वाटर बबल है, इसका मतलब इसके नीचे डंजन है जो है ना हमको खींचेगा अंदर। तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, देख सकते हो खींच भी रहा है, लेकिन अच्छा है हम बोट पे है इसलिए वो हमको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बोट को हिला देता है लेकिन अच्छे से खींच नहीं पाता है। तो यही सही है बोट का यूज़ करना। और हम समंदर के आसपास है, तो यहाँ पे इतने सारे ट्रेजर है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं सोता हूँ, और जो वाटर ब्रीथिंग का पोशन मिला है ना उसका यूज़ करके हम फटाफट से चलते हैं। और जो वो अरे एक डायमंड भी इसको रखते हैं, और जो ट्रेजर था वो हमारा उसको हम देख के आते हैं। और यहाँ पे मेरे को फूल भी रखना पड़ेगा, तो उसके जगह फ्लावर को ले लेता हूँ। तो सबसे पहले सोते हैं। और मैं माइनिंग कर रहा था तो मुझे डायमंड्स भी मिले थे, तो 2 डायमंड मेरे पहले के पड़े थे, और 8 डायमंड मुझे मिले, और एक अभी मैं लेके आ रहा हूँ। तो मैं वो डायमंड भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरा मन नहीं था, अभी है ना देख सकते हो 10 डायमंड है। तो मैं है ना अभी अपने एक घर बनाने का तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मैं पेड़ उगा रहा हूँ, मतलब पेड़ उगने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद काट रहा हूँ, फिर उगने का वेट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। और यहाँ से जितनी स्पीड में चलता है ना मज़ा आ जाता है देख के। चलिए सबसे पहले खाते हैं, और यहाँ पे जो मैं ओके यार ये हंगर बार इतना डाउन कैसे हो जाता है। तो अभी है ना ये शायद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, तो इसको मैं वाटर ब्रीथिंग का पोशन पीता हूँ। और पोशन पीने के बाद यहाँ कहीं पे था ना वो मेरा, देखते हैं यहीं से चलते हैं। ओके गाइस तो मेरे पास एक ट्रिक है, देख सकते हो इसके नीचे इस तरीके से हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, देख सकते हो हमको वर्ल्ड एकदम साफ दिख जाता है। ओके ये रहा, तो एक वाटर के अंदर एकदम साफ तरीके से दिख जाता है। तो यही फ़ायदा, आप भी इस तरीके का ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बड़ी शिप है, और ये पूरी की पूरी उल्टी है, और ये एक रूइन से भी कनेक्टेड है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको तोड़, ओके मेरे पास एक्वा एफिनिटी नहीं है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्लो तोड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, तोड़ तो रहा है ना। मेरे पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में मैं अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकलने वाला हूँ। खजाना कहाँ पे है, और मुझे टाइम पे अपना ये देखना पड़ेगा कि अरे यार फिर से ऐसा हो रहा है, मतलब टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा कि पोशन सही है कि नहीं, क्योंकि बार बार भूल जा रहा मैं है ना, एक यहाँ पे फंस गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से जाना चाहिए इस शिप में। अरे यार फिर से, तो ये फेंस गेट मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे, और आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ है, क्योंकि देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक इसके अंदर कुछ तो होगा। तो चलिए इसको तोड़ते फटाफट यहाँ पे। तो गाइस मैंने यहाँ पे माइन तो किया, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ, कि मेरा पोशन भी एकदम ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो अब मेरा बबल आ गए। तो अब देखना मेरा घर, ओके बहुत ज़्यादा ही पास है, तो कोई टेंशन नहीं, चलते हैं यहाँ पे। और मेरे पास डायमंड की पीएक्स आ चुकी है, मैं अभी वो इंचैंटमेंट टेबल भी बना सकता हूँ, और
क्या बोलते हैं नेदर में जाने का भी सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने सारे चीज़ें नहीं है कि मैं कुछ भी रिस्क लेता हूँ। तो एक काम करते, देख सकते हो बहुत सारे पेड़ हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं कोई घर बनाने वाला हूँ, तो उस घर के लिए मुझे ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का घर बनाऊंगा। और देख सकते हो मेरी यह फसल भी उग गई है, तो मैंने सीड तो लगा दी है, दो सीड बचे हैं, तो इनको अभी फिलहाल संभाल कर रख देता हूँ। मैं जिस दिन फार्म बनाऊंगा ना उस दिन इन सब के काम आएगी, मतलब ज़रूरी होगी। और देख सकते हो मेरे पास, अरे यार मेरे पास एक चीज़ नहीं है और वो है चेस्ट। मेरे पास चेस्ट की कमी है, तो ओके मेरे पास बट ये है, तो मैं एक काम करता हूँ एक चेस्ट और बना लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी चेस्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ओके ये बन चुका है एक चेस्ट, और इसको कहाँ पे रखूँ, तो ओके ये आ रहा है ना वेंडिंग ट्रेलर, काफ़ी सी मैं इनको मार रहा हूँ। लामा से मेरे को लेदर मिला है जिससे मैं बुक और बुक शेल्फ बना सकता हूँ, और लीड भी दे रहे हैं। ओके मेरे को ये दे रहा है, लेकिन इससे मैं ना वो बना सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट में अभी बताता हूँ, उसको कॉन्ड्यूट कहते हैं। ओके कॉन्ड्यूट कहते हैं, मुझे विलेजर चाहिए। अभी यहाँ पे विलेज कहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता चल जाए ना कि विलेज है कहाँ पे, तो मैं एकदम एग्जैक्ट वही पोजीशन पे चला जाऊँ। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, ऐसे मेरे को लग रहा है दूर है। ओके ये रहा, तो ये लीड मिल चुका है, तो लीड का काम आएगा एनिमल पकड़ने के लिए, तो इन सबको यहाँ पे लगता है। एक काम करता हूँ मैं आज भी थोड़ा बहुत माइनिंग ही करता हूँ, क्योंकि और कुछ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जब तक ये बहुत सारे पेड़ मैं काटूंगा नहीं तब तक मेरे को मिलेंगे नहीं, और ये पेड़ को मैं ऑफलाइन काटने वाला, क्योंकि वीडियो में काटना बहुत बोरिंग हो जाएगा। इतने सारे पेड़ को काटना उगाना है, कम से कम मुझे 5-5 स्टैक सब सामान चाहिए होगा। तो चलिए सामान को रखते हैं और माइनिंग पे चलते हैं हम लोग फटाफट। तो चलिए गाइस सारे का सारा सामान रख के माइनिंग पे चलते हैं। होप करिए आज भी थोड़े बहुत डायमंड मिल जाए, और अगर डायमंड नहीं मिलते फिर भी कोई टेंशन नहीं, अभी फिलहाल कोई डायमंड की ज़रूरत तो नहीं है, बस सब सेफ्टी के लिए आर्मर वार्मर की मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो देख सकते हो इसको मैं अभी अच्छा करूँगा, अभी आपको भी पता है कि अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये डायरेक्शन में मुझे ना डायमंड मिले थे शायद, हाँ यहाँ पे मिले थे शायद से, तो मैंने यहाँ पे खुदाई की है। तो और आगे चलते हैं हम थोड़ा बहुत, और तीन ही मैं लेके आया हूँ यार टॉर्चेस, मैं बार बार टॉर्चेस लाना भूल जाता हूँ और मुझे वापस जाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। शायद यहाँ पे डायमंड मिले थे, तो इसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था माइनिंग, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे अगर कुछ और डायमंड या फिर गोल्ड या कुछ स्पेशल चीज़ मिलता है तो सही है, जब मिलता है डायमंड वायमंड तो दिल खुश हो जाता है, मज़ा आता है माइनिंग करने का, नहीं तो फिर मन चला जाता है माइनिंग करने का। तो गाइज इसके आगे है ना पानी आ चुका है, समंदर जो पानी अंदर आ रहा है जिसे मैं माइंड नहीं कर सकता। तो यही मुझे कभी कभार बातें गुस्सा दिलाती है कि मैं चाह के भी माइंड नहीं कर सकता, मेरा मन कर रहा है माइंड करूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे पानी आ जा रहा है ना जिसकी वजह से मैं माइंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन चलो थोड़ा गोल्ड मिला है इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारा कोल है, तो कोल तो मैं अभी फिलहाल नहीं लेता हूँ, और मिलता है तो बहुत। अरे यार यहाँ से ले भाई, मैं कहाँ कहाँ चढ़ जाता हूँ, कंट्रोल भी ना कभी कभार मेरे से होता नहीं है। तो तो चलिए ऊपर चलते, एकदम नकली नकली कंट्रोल करता हूँ मैं। तो यहाँ से अभी मैं डायरेक्ट घर पे चलता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बार बार पानी आ जाना है ना वो प्रॉब्लम है, वो साइड जाके डंजन आ जा रहा है, ये साइड जाके पानी आ जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं माइंड करूँ तो करूँ कैसे, और ये इतनी जल्दी पता नहीं नाइट हो रही है नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। ओके नाइट तो नहीं हो रही बट होने वाली है, तो चलिए फिर ऊपर भी चलते। मेरा क्या मतलब, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं बोट लूँ और यहाँ से कम 5,000 ब्लॉक ट्रैवल करूँ और कोई विलेज को ढूंढूँ। कंट्रोल लेकिन मैं फिर विलेज को इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई जगह है जहाँ पे मैं विलेजर को रखूँगा, और ना ही मैं कोई एनिमल्स को ला रहा हूँ कि यहाँ पे उनको रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए मैं सोचा पहले एक अच्छा सा घर बनाऊँ, फिर एक अच्छा सा फार्म बनाऊँ, उसके बाद एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जिसके ऊपर मैं सबको लेके आऊँगा। तो यही मेरा सोच है, अभी एक काम करते कोल को रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरे पास 37 कोल है, नीचे भी थोड़े बहुत हैं, और ये शुगर कैन को भी करना पड़ेगा, सबको कर दे कोई टेंशन नहीं। तो एक काम करते, जब मेरे पास डायमंड है बुक है मतलब लेदर भी है, तो एक वो बना लेते, क्या बोलते हैं इंचेंटमेंट टेबल, इंचेंटिंग टेबल जो भी नाम है उसका, तो कंफ्यूज तो वो हम बना ही लेते फटाफट से। तो भाई सच बताओ तो मुझे आज जाके पता चला कि बिना एफिशिएंसी के ऑक्सीडियन को माइन करना कितना मुश्किल है, कितना टाइम लिया 4 ऑक्सीडियन ने। मैंने है ना नॉर्मल वर्ल्ड में तो फॉर्चून से मतलब एफिशिएंसी से लिया है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से कलेक्ट कर लिया था, लेकिन इसमें एफिशिएंसी है नहीं तो कितना ज़्यादा टाइम लगा मुझे आज जाके पता चला। तो चलिए अब फटाफट से है ना, एक मिनट फिर नाइट होगी। तो यार मेरे वर्ल्ड में इतना नाइट क्यों होता है, हर एक वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। तो पहले सोते और फिर जाके फटाफट से वो बनाते जो भी हमारा है। तो इसके लिए मुझे पेपर चाहिए होंगे थोड़े से, और एक लेदर चाहिए होगा, सॉरी बुक तो है तो बुक की तो टेंशन नहीं, ये रहा बुक, और 2 डायमंड चाहिए ना। तो डायमंड तो नीचे रखा यार, कुछ भी मैं लेके नहीं आ पा रहा, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है मेरे से, सब बड़ा मतलब कुछ होने वाला है। तो ये बन चुका है, अब इसको यहीं पे रखूँ यार, तो नीचे तो इसका कोई काम नहीं, मैं ना अपने घर में रखूँगा, लेकिन मेरा घर अभी बना है नहीं यार, कितना गरीब आदमी हूँ मैं भी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बेइज्जती है। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में घर तो बना ही दूंगा, कुछ भी हो जाए घर बना दूंगा, कैसा भी घर लेकिन बना दूंगा। मैं ट्यूटोरियल देखूंगा यूट्यूब पे, थोड़े सा अच्छा घर बनाने का कोशिश करूंगा। तो इंचेंटेड टेबल को रख देते हैं यहाँ पे, और ये मैग्मा क्रीम कहाँ से आ गई, चलो कहीं से भी आ गई, आ तो गई ना। तो गाइस शायद आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो में कुछ हमने खास नहीं किया, लेकिन करने को क्या कर सकते, जब तक ये पेड़ वेड़ में काटूंगा नहीं, मैं घर नहीं बना सकता, ना ही कोई फार्म बना सकता हूँ। नेदर में जाके मुझे ऑब्जर्वर के लिए है ना, वो भी लेके आना पड़ेगा, क्या क्वार्ट्स बोलते हैं नेदर क्वार्ट्स, जिससे कि ऑटोमेटिक फार्म्स बनेगा। और सबने कहा था कि ये हटा दो सैंड को, डर्ट लगा दो, तो यहाँ पे मैंने डर्ट लगाया है, बस वो साइड बाकी है, क्योंकि डर्ट भी कम है, जब मैं दूसरे आइलैंड पे जाऊँगा तभी तो माइन करके लेके आके लगा पाऊँगा। तो कोई बात नहीं, उसको मैं ऑफलाइन में जाकर ये सब डर्ट यहाँ पे लगा दूंगा, लास्ट कोने में रखूंगा, क्योंकि कोने में ये लगाना होता है मेरे को शुगर कैन। और वो साइड में एक अच्छा घर बनाने का सोच रहा हूँ, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म सही है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत मजा आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में हम बनाने वाले एक कमाल का, बहुत ही मॉडर्न तो हाउस नहीं बनाएंगे, लेकिन लकड़ी का बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस बनाएंगे। तो आई होप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए माइंडक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।